सभी स्टूडेंट्स को आदर्श परिवार की तरफ से इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स अब तक देख चुके हैं कि हमने सातवीं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लिए थे। 7.1 एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ा था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो कि करनी चाहिए नया अनरूल के क्वेश्चन थे, इसलिए हमने उनको हल नहीं किया था। आज के वीडियो में हम उन्हें ही हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आप में से कुछ की ये प्रॉब्लम रह रही है कि सर आपके जो वीडियोज़ होते हैं उनकी काफ़ी MB होती है, तो GB तक नेट है वो हमारा खर्च हो जाता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आज पहले हम उसी पे बात कर लेते हैं कि उसकी भी समस्या का समाधान है। हमारी तरफ से, हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो 1080 में किए जाते हैं, ताकि जिसके पास में हाई क्वालिटी का नेट है वो उसे देख के अच्छी क्वालिटी में वीडियो हो। लेकिन आप जब भी कोई वीडियो ऑन करते हैं ना, तो इस वीडियो के ऑन करने में इधर साइड में एक मेन्यू बना होता है जिसपे 3 डॉट होते हैं। यदि आप उसमें 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे प्ले क्वालिटी का ऑप्शन आएगा और प्ले स्पीड का ऑप्शन भी आएगा। तो आप प्ले क्वालिटी में जाके उस वीडियो की जो क्वालिटी है वो डाउन भी कर सकते हो। हमारे जो वीडियोज़ हैं वो 1080 पे हैं। यदि आपके पास में नेट की कमी है तो आप हमारे वीडियोज़ को 240p पे या 144p पे देख सकते हो। 144p पे जब आप देखोगे तो थोड़े आपको जो लिखे हुए डिजिट हैं वो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन 240p तक लगभग आपके जो डिजिट है वो दिखाई दे सकते हैं। और जैसे कि आपको पहले बताया था कि आप जो वीडियोस है उसमें जैसे एक क्वेश्चन खत्म हो जाए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्टॉप कर दीजिए वीडियो को, फिर उससे वो क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर आप उस वीडियो को फिर से प्ले कीजिए। यही तरीका होता है बेस्ट, क्योंकि नोट्स बनाने में ऐसे ही होता है, वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है, एक सवाल उतार लिया फिर आगे प्ले कर देते हैं। तो इस तरीके से नोट्स बनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स आप चाहो तो हमारी जो वीडियोज है उसको आप स्पीड में भी देख सकते हो। YouTube ऐसे ही 3 बिंदु पे वीडियो स्पीड पे आपको ऑप्शन देता है, जैसे 1 का, नॉर्मल स्पीड का, 1.5 का, 1.75 का और 2 तक का, जहां आपको उचित लगे कि ये आवाज़ सर की मेरे लिए सही है, मैं इसको सुन सकता हूं आसानी से, वहां आप 2 की स्पीड में या 1.75 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में देख लीजिए। वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से एडजस्ट हो जाएगी, ताकि आपके नेट कम खर्च होगा और सारे वीडियोज़ आप देख भी सकें। चलिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सवाल। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन है अनरूल वाले क्वेश्चन, यानी करनी चिन्ह वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है अनरूल 1 - sin θ / 1 + sin θ, और इसको प्रूव करना है sec θ - tan θ के रूप में। ये करनी चिन्ह है और इसको हटाने की जो प्रोसेस होती है वो आपको पहले भी बताई थी, वो होती है परिमेयकरण। इस करनी चिन्ह की प्रोसेस को हटाने की जो विधि है, करनी चिन्ह को हटाने की जो प्रोसेस है उसे परिमेयकरण कहते हैं। और परिमेयकरण में क्या होता है, जो संख्या बट्टे में बैठी है, जैसे कि हमने 6th एक्सरसाइज में 2 उदाहरणों में किया भी था परिमेयकरण, जो संख्या हर में बैठी है, बट्टे में बैठी है, उसके विपरीत निशान से अंश और हर में गुणा करना है। यानी किसका गुणा करेंगे हम, LHSL कर रहे हैं, और अंश व हर में किसका गुणा कर रहे हैं हम, अनरूट 1 - sin θ का। जो संख्या हर में बैठी है यानी 1 + sin θ, उसके विपरीत निशान से 1 - sin θ से अंश व हर में गुणा कर देंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे बदल जाएगा, 1 - sin θ / 1 + sin θ। ये तो था ही, हमने करनी चिन्ह को हटाने के लिए किसका गुणा किया है, 1 - sin θ का गुणा किया है। अब आप दोनों को अलग अलग दिखाओ, ये अनरूल और ये अनरूल, तो भी चलेगा काम, और दोनों का एक साथ अनरूल दिखा दोगे तो भी काम चलेगा। बात एक ही है, 1 - sin θ का ओरिजिन में तो हमने 1 से गुणा किया, क्योंकि ये सारा दोनों कट जाएंगे, 1 ही बचेगा, और सवाल भी सीधा हो जाएगा, अनरूल 1 - sin θ का अंश और हर में गुणा कर दिया हमने। जैसे ही गुणा किया तो हमने देखा कि अंश में ये देखिए दोनों एक जैसे आ गए, और दोनों एक जैसों को मैथ्स बोलती है होल स्क्वायर, यानी 1 - sin θ की होल स्क्वायर प्राप्त हो गई। और यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कुछ खिचड़ी पकड़ी है नीचे, हर में विचार कीजिए कौन सी खिचड़ी है ये, हर में 1 + sin θ 1 - sin θ। क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे रूल नंबर 3 के अनुसार सर्वसमिका, कौन सी सर्वसमिका, सर्वसमिका नंबर 3, रूल नंबर 3 का 3री सर्वसमिका में कहती है कि 1 + sin 1 - sin क्या होता है, cos स्क्वायर होता है। आपको इधर नीचे उतारना है, मैं साइड में उतार रहा हूँ, क्या आएगा हमारे पास में 1 - sin θ की होल स्क्वायर / cos स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट,
अब क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर आ गई, यहाँ वो स्क्वायर आ गई, इधर स्क्वायर आ गई, ये हमें चाहिए था। अब ये करनी चाहिए, अनरूट हट जाएगा। अनरूट कब हटता है? जब स्क्वायर आ जाए। स्क्वायर में भी यदि दो संख्याएं हैं तो होल स्क्वायर, सिंगल है तो उस पर स्क्वायर। तो अब हम क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। जैसे हम वर्गमूल लेंगे तो क्या हट जाएगा स्टूडेंट्स? अनरूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगी। देख लीजिए आप, आपके सामने है ये, इस अनरूट से ये केवल है ना, ऐसे मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे दिखाना नहीं है आपको, आपको ज़्यादा समझ आ जाए कि ये दोनों स्क्वायर थी, अनरूट कट गया, ये दिखाना नहीं है कहीं, क्योंकि अजीब सा लगता है कि आप ऐसे स्क्वायर से इसको अनरूट को काट रहे हो। बस केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये अनरूट और स्क्वायर कट गई, यानी कि वर्गमूल आ गया तो इसकी स्क्वायर हट गई और ये अनरूट हट गया। इस तरीके से हमारा जो आंसर लेके आना है, जैसे कि हमने पीछे के क्वेश्चन में किया था, क्या किया था? अलग अलग विभाजित किया था। यहीं पे ये आंसर लाने के लिए हमें दिख रहा है कि अलग अलग विभाजित कर देंगे। तो अलग अलग विभाजित कैसे होगा? ऊपर जो अंश में दो बैठे हैं, ये दोनों किसके मालिक हैं? इस हर वाले के, यानी कोस के। तो इन दोनों को अलग अलग बांट दिया, एक के बट्टे में कोस थीटा और साइन के बट्टे में कोस थीटा। अब एक के बट्टे में जब कोस थीटा होता है तो आप जानते हो नियम नंबर एक के अनुसार क्या आता है? सेक थीटा। और साइन के बट्टे में जब कोस होता है तो क्या आता है? टेन थीटा। आ गया हमारा उत्तर RHS। यही तो हमें लेके आना था कि आंसर जो हमें चाहिए था वो ये आ गया, सेक थीटा। थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या आंसर प्राप्त होगा हमें? एक बटा कोस, एक बटा कोस, एक बटा कोस क्या होता है? सेक, सेक थीटा माइनस साइन बटा कोस क्या होता है? टेन, टेन थीटा। तो हमें यही चाहिए था बराबर में RHS। इति सिदम। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे चार क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से चार क्वेश्चन? एक इसका उदाहरण भी है और एक हम खुद बना लेंगे। यहाँ पे एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, यानी माइनस और प्लस आपस में चेंज कर दोगे। जैसे माइनस और प्लस चेंज करोगे ये चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पे आप एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा लिखोगे तो यहाँ जाएगा सेक प्लस टेन। एक होगा एक माइनस कोस थीटा, एक प्लस कोस थीटा, आंसर आएगा कोस एक माइनस कोट। एक होगा एक प्लस कोस, एक माइनस कोस, आंसर आएगा कोस एक प्लस कोट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक उदाहरण है ये प्लस वाला, वो आप देख लेना। बाकी मैंने आपको बता दिए चार क्वेश्चन होंगे, इसी एक क्वेश्चन पे आप चार क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उतार लीजिए इसको, हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सात करने वाला हूँ अब मैं स्टूडेंट्स, यदि आपने उतार लिया है तो क्वेश्चन नंबर सात की तरफ चलते हैं हम। स्टूडेंट्स आदर्श परिवार आप सबके लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में बहुत जल्दी आपको एक डिजिटल बोर्ड से स्टडी करवाई जाएगी ऑनलाइन, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको और भी अच्छी क्वालिटीज और चीजें दे सके। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, अनरूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, हमें प्रूव करना है टेन प्लस सेक, ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका जो हमने अभी तक सीखा है, कौन सा? अपने जो तीनों नियम है उन तीनों नियमों का इस्तेमाल करते हुए आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन तो हल हो जाएगा, हमें RHS और LHS को भी थोड़ा अलग अलग हल करना पड़ेगा और लाइनें भी ज्यादा लगेगी, लेकिन तीनों नियम काम आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उसी तरीके से बता देता हूँ, फिर हम दूसरा तरीका भी विचार करेंगे। तो LHS हल करता हूँ पहले मैं। LHS हमें क्या कहता है? साइन और कोस में बदल दो। तो सेक का उसको लिखेंगे एक बटा कोस, यानी एक बटा कोस स्क्वायर, और कोसेक को लिखेंगे एक बटा साइन स्क्वायर। फिर हम क्या ले लेंगे? LCM। LCM क्या आएगा स्टूडेंट्स? दोनों का गुणा, यानी कोस स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर, ये इनका गुणा LCM आ गया। और हमने सीखा है जब दोनों का गुणा LCM आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाता है। साइन स्क्वायर का गुणा एक से साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर का गुणा एक से कोस स्क्वायर। स्टूडेंट्स
ये कितना प्राप्त हो जाएगा, एक बट्टे में कितना है कोस स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर, अंडरूट तो चल ही रहा था अपना। अब क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है तो वर्गमूल ले सकते हैं हम, वर्गमूल लेंगे, जैसे हम वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर जाएगी, एक बटा कोस गुणा एक बटा साइन, एक बटा कोस गुणा एक बटा साइन, क्या होता है एक बटा कोस होता है हमारा सेक गुणा एक बटा साइन होता है कोसेक। हमने LHS को यहाँ तक छोड़ दिया, एक बटा कोस हो गया सेक और एक बटा साइन हो गया कोसेक। अब हम RHS को हल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम RHS हल कर रहे हैं। RHS में हम क्या करते हैं, टेन प्लस सेक है तो इसमें फिर से हम बदल देते हैं, साइन बटा कोस प्लस एक बटा कोस, क्या जाएगा LCM, दोनों तरफ एक जैसे ही हैं हर, यानी कोस LCM आएगा, ऊपर वाली संख्या सॉरी टेन प्लस कोट है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तब आंसर सही आएगा। कई बार सवाल हम दिमाग में कुछ ही लिखते हैं कि ये लिख रहे हैं और हो जाता है स्टूडेंट्स, इस बात का भी आप अपनी जब भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर शीट में आंसर लिख रहे होते हो या कोई भी एग्जाम में विशेष ध्यान देना कि कई बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क हमारा कुछ ही सोच रहा है, मस्तिष्क तो ये सोचता है कि हम ये लिख रहे हैं और हमारे हाथ कुछ लिख रहे हैं और आंखें कुछ देख रही हैं, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि मैंने तो कोट लिखा है लेकिन सेक लिख दिया मैंने और आंखों से देखा ही नहीं, अब जब हम हल किया तो एकदम सही पता चल गया, इनका गुणा यानी कोस गुणा साइन LCM हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन का गुणा साइन से साइन स्क्वायर प्लस कोस का गुणा कोस से कोस स्क्वायर, दो नियम लग गए। तीसरा नियम क्या है, दोनों का साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक होता है, एक बटा कोस गुणा साइन, आंसर निकालने के लिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे, विभाजित करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्लस नहीं है गुणा में, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे बस, आंसर आ गया सेक गुणा कोसेक बराबर RHS। हाँ हालांकि इसमें लाइनें काफ़ी लंबी है, एक दो तीन चार, चौथी लाइन में आंसर आ रहा है, फिर वापस चार लाइनें यानी आठ लाइनों में आ गया, लेकिन तीनों नियमों का इस्तेमाल हो गया, आपने पहले से सीख रखा तो आसान था आपके लिए, हल कर दिया। आप इसको उतार लीजिए, हम दूसरी विधि से भी हल करेंगे, जो आपको सरल लगे आप उससे इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, उतारिए स्टूडेंट्स। हो गया, ये तो तीनों नियमों पर आधारित था, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, ये तो था तीनों नियमों पे। अब याद कीजिए कि मैंने आपको अन्य दो सर्व समीकरण लिखाई थी, कौन सी थी, सेक स्क्वायर की सर्व समीकरण क्या थी, एक प्लस टेन स्क्वायर, मैं इस सेक स्क्वायर को ये लिख रहा हूं एक प्लस टेन स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं टेन स्क्वायर प्लस एक, और इस कोसेक स्क्वायर की क्या थी, एक प्लस कोट स्क्वायर, किसी को याद नहीं है तो मैं सर्व समीकरण लिख रहा हूं, ये जो हमने सीखी थी सर्व समीकरण वही सर्व समीकरण है, स्टार्टिंग में हमने पहले करण का भाग लगाया था, फिर लंब का, फिर आधार का, तो लंब और आधार के भाग लगाने पे ये जो दो सर्व समीकरण प्राप्त हुई थी वो ये वाली है, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब स्टूडेंट्स यदि आप ध्यान से देखो तो क्या प्राप्त होगा, टेन स्क्वायर प्लस दो, एक और एक जुड़ गए, प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आप याद कीजिए कि a प्लस बी की होली स्क्वायर क्या होती है, यही तो होती है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, यदि a प्लस बी की होली स्क्वायर दी हुई है तो हमें ये करना है, और ये दिया हुआ है तो इसका आंसर ये करना है। हमें क्वेश्चन में जो फॉर्म दी हुई है वो इसकी फॉर्म है, तीन संख्याएं हैं यानी ये फॉर्म संभावित है, ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका आंसर क्या होता है a प्लस बी की होली स्क्वायर। अब आपको ये ढूंढना है कि a क्या है, यहाँ पे एक तो हो गया 10, b क्या है, b हो गया कोट, फिर 2ab क्या है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप दिमाग लगा लीजिए, मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab, ab लिख दूं मैं ऐसे, a कितना था 10 स्क्वायर गुणा b कितना था कोट स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए का मान है ये लो ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 10 गुणा कोट है, और बी का मान कितना है कोट, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो जहाँ ए बराबर 10 थीटा बी बराबर कोट थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स,
इस लाइन में यहाँ लिख सकते हो आपकी ए का मान ये है, बी का मान ये, इसे यदि हम तुलना करें। तो अब आप देख लो स्टूडेंट्स, जो दो ए बी वाला पद है ना, केवल कंफ्यूजन इसमें है। तो दो ए बी को मैंने ऐसे लिखा, दो ए बी, ए का मान 10 था और बी का मान 4 था, तो दो ए बी आ गया। अब आप उस फॉर्मूले को याद कीजिए जब हमने छठी एक्सरसाइज का पहला वीडियो दिया था, उसमें सीखा था कि टेन और कोट दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं और दोनों का गुणा क्या होता है। ब्लॉक एक मैंने बॉक्स बना के छोड़ा था और उसमें आपको क्या सिखाया था कि टेन गुणा कोट कितना होता है, एक होता है। तो ये तो गया एक, ठीक है, और ये फॉर्म किसकी आ गई, ये एक होता है ध्यान रखना, तभी तो यहाँ पे दो हुआ। और ये फॉर्म किसकी है, टेन प्लस कोट की होली स्क्वायर की, यानी ए प्लस बी की होली स्क्वायर की है। और यदि हम इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, टेन प्लस कोट थीटा, ये हमें चाहिए था, बराबर आरएचएस। अब आपको जो सवाल अच्छा लगे, यदि वो तरीका अच्छा समझ आ जाए तो आप उससे उतारिएगा, ये तरीका आपको अच्छा लगे तो आप इससे उतार लीजिएगा। ये आपके खुद की दिमाग की बौद्धिक स्तर पर है कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। आज के वीडियो में हम सारे क्वेश्चन वही करने वाले हैं जो पहले अनरूड वाले यानी करनी चिन्ह वाले थे। एक मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 23, ये भी करनी चिन्ह का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। मैं केवल उसकी दो स्टेप लिखूंगा, फिर आपके लिए छोड़ दूंगा उस सवाल को। क्या सिद्ध करना है, अनरूड सेक थीटा प्लस एक, अनरूड सेक थीटा माइनस एक, बराबर में सिद्ध करना है कोट प्लस कोसेक। आप याद कीजिए, मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था इसी वीडियो में, तो आपको बताया था कि यहाँ पे यदि हम एक प्लस कोस लिखें बट्टे में एक माइनस कोस लिखें तो उत्तर कोट प्लस कोसेक आता है, वही क्वेश्चन है ये। तो चलिए पहले हम एल एच एस हल करते हैं। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम सीधा इसी का परिमेयकरण कर दें तो फिर वो जो तीसरी सर्वसमिका है अन्य वाली वो काम आ जाएगी, और यदि हम वैसा नहीं करते तो साइन और कोस में बदल के करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, एक बटा कोस प्लस एक है उसको एक बटा एक लिख देता हूँ। इसमें परिवर्तन कर दिया, सेक को लिख दिया मैंने एक बटा कोस, ये एक था एक बटा एक लिख दिया, इस सेक को लिख देता हूँ मैं एक बटा कोस माइनस ये एक बटा एक है, पहली प्रोसेस खत्म हो गई। दूसरी प्रोसेस क्या कहती है हमें, एलसीएम ले लो। एलसीएम यहाँ पे कौन सा है, दूसरे प्रकार का, यानी दोनों अलग अलग हैं तो उनका गुणा यानी कोस थीटा, एलसीएम आ जाएगा, तिरछा गुणा कर दो, एक का गुणा एक से एक, कोस का गुणा एक से यानी कोस थीटा। ऐसे ही बट्टे में इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, कोस थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक का गुणा एक से और एक का गुणा कोस से एक माइनस कोस थीटा। तो थोड़ा सरल हो गया ना, देखिए कोस से कोस कट गया, हमारे पास में क्या बचा, अनरूट में एक प्लस कोस एक माइनस कोस, जो हमने छठा क्वेश्चन किया था वो सेम का सेम क्वेश्चन बन चुका है। अब आप इसमें अंश और हर में किसका गुणा करेंगे, एक प्लस कोस का, और जैसे हमने छठा क्वेश्चन किया था उसको लास्ट स्टेप तक लेके जाओगे तो आंसर ये आ जाएगा कोट प्लस कोसेक। इसी वीडियो में मैंने आपको छठा क्वेश्चन समझाया, सेम का सेम वही क्वेश्चन बन चुका है, केवल इसमें इतना ही न्यू था, एक बटा कोस लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, कोस और कोस कट जाएंगे, एक प्लस कोस और एक माइनस कोस बचा। अब इसका विपरीत क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, यानी ये भी चार प्रकार का बन सकता है, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस हो जाएगा, और कोसेक प्लस एक, कोसेक माइनस एक लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस लिखेंगे तो आ जाएगा टेन प्लस सेक। तो ये भी आपके लिए एक होमवर्क हो सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, हमने करनी चिन्ह वाले तीनों क्वेश्चन है वो कर लिए हैं, और मैंने आपको बताया था कि हम करनी चिन्ह वाले तीनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। करनी चिन्ह का इसके अतिरिक्त कोई भी सवाल आपके है नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 9 करवा रहा हूं आपको, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और दो ही लाइनों में इसका आंसर भी आ जाएगा आराम से। कोस की घात 4 माइनस साइन की घात 4, बराबर में हमें आंसर लेके आना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए मैंने आपको कहा था कि चार घात वाला क्वेश्चन आपके एक बुक में भी है। कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12।
वहाँ पे यहाँ पे प्लस है उसमें, तो जब प्लस होता है तो उसका फॉर्मूला ही पूरा बदल जाता है। मैंने आपको बताया चार घात वाला, छह घात वाला और आठ घात वाला, हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ ही हल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस है तो थोड़ा सरल हो जाएगा। LHS हल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सरल है प्लस वाले से। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या स्टूडेंट्स, स्क्वायर की स्क्वायर में बदल दिया मैंने, चार घात वाले को हम स्क्वायर की स्क्वायर में लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है तब ये क्वेश्चन अलग फॉर्म से होगा, प्लस है तो फिर अलग फॉर्म से होगा। यहाँ पे यदि माइनस है तो अब आप समझ गए होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, जहाँ पे ए स्क्वायर का मान क्या है कोस स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान क्या है साइन की स्क्वायर। आंसर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी लिखूंगा मैं इसको, तो ए कितना है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और बी कितना है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हमें पता है कि ये कितना होता है एक, ये तो हो गया एक। अब ये आंसर पे डिपेंड करता है कि हमें क्या लाना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी सिद्ध करवा सकता था दो को स्क्वायर माइनस एक, तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सा परिवर्तन अलग करते हैं। यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है एक माइनस दो साइन स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने एक जगह और किया था, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन किया था हमने, और जो क्वेश्चन मिस प्रिंट था मैंने वहां आपको दो लिखवाया था, वही क्वेश्चन है ये। यहाँ हमें क्या लेके आना है दो साइन स्क्वायर लेके आना है, एक साइन स्क्वायर तो पहले से बैठा है, एक साइन स्क्वायर कौन देगा हमें कोस स्क्वायर, कौन से नियम से नियम नंबर 3 की सर्वसमिका 2 से। क्या होता है कोस स्क्वायर होता है एक माइनस साइन स्क्वायर, ये लो एक माइनस साइन स्क्वायर, तो कितना प्राप्त हो गया आंसर एक माइनस दो साइन स्क्वायर बराबर RHS। चूंकि का प्रयोग भरपूर मात्रा में, तो ये कोस स्क्वायर कहाँ चला गया हम बताएंगे कि कोस स्क्वायर चला गया एक माइनस साइन स्क्वायर के रूप में। अब इसी क्वेश्चन में यदि आपको ये सिद्ध करवाता बराबर दो कोस स्क्वायर माइनस एक, तो फिर आप ऐसे मत कह देना कि सर ने करवाया नहीं था, मैंने करवाया, बस थोड़ा सा आपको खुद दिमाग लगाना है। क्या लगाओगे इस लाइन के बाद में, इसके बाद में कोस जो सिद्ध करना है ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे साइन स्क्वायर हमें सिद्ध करना था कि दो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को जिंदा रखना है, इसको स्क्वायर को मारना यानी प्रतिस्थापित करना है। ऐसे यहाँ पे सिद्ध करना है दो कोस स्क्वायर, इसका मतलब कोस स्क्वायर को तो जिंदा रखना है, इस साइन स्क्वायर को हटाना है, तो इसको हम कैसे हटाएंगे प्रतिस्थापित कर देंगे। इससे पहले माइनस का निशान है, ये माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नियम नंबर 3 की सर्वसमिका नंबर 4 से कितना होता है एक माइनस कोस स्क्वायर होता है। इस माइनस के कारण हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, दो ब्रैकेट एक साथ आ गए इसका मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक तो माइनस का हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर कैसा हो जाएगा प्लस का, तो आंसर आ जाएगा ना स्टूडेंट्स दो कोस स्क्वायर माइनस एक बराबर RHS। तो इस तरीके से चाहे ये सिद्ध करवाए चाहे ये सिद्ध करवाए आंसर है वो एक ही है। हम इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि आगे चल के आपके बुक में चार घात वाला क्वेश्चन है और वहाँ पे प्लस वाला है, तो आपके समस्या ना आए उस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको ये माइनस वाला क्वेश्चन है वो पहले ही करवा दिया। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हम फ्रेंड्स उदाहरण नंबर 4 है जो कि आज हमने छठा क्वेश्चन किया था उसी पर आधारित है, एक उदाहरण नंबर 3 करवा रहा हूं मैं आपको, सरल सा उदाहरण है। ये कह रहा है एक बटा एक प्लस साइन थीटा प्लस एक बटा एक माइनस साइन थीटा, और इससे सिद्ध क्या करना है हमें दो सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हल करते हैं हम।
नियम नंबर एक तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम कौन सा नियम लगाएंगे, नियम नंबर दो सीधा लगाएंगे, यानी इसका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, दोनों अलग अलग बैठे हैं, यानी एक प्लस साइन गुणा एक माइनस साइन, इसका एलसीएम आ गया। और हमें क्या कहता है, जब दोनों अलग अलग हो तो दोनों के गुणा एलसीएम आते हैं और तिरछा गुणा हो जाता है, यानी एक माइनस साइन का गुणा एक से करेंगे, एक माइनस साइन थीटा प्लस एक प्लस साइन थीटा को एक से गुणा करेंगे, एक प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यदि आप ध्यान से देखो तो साइन प्लस और माइनस के इसलिए आपस में कट गए, क्या बचा एक प्लस एक यानी दो। और बट्टे में देखो नियम नंबर तीन की सर्व समीका कौन सी है, सर्व समीका नंबर तीन, एक प्लस साइन एक माइनस साइन क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। चूंकि का भी प्रयोग कर लिया करो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब या तो आप को सीधा याद होना चाहिए, वरना आप ज्यादा समझने के लिए ऐसे लिख लो दो गुणा एक बटा कोस स्क्वायर। अब हमें पता है कि एक बटा कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, बराबर आरएचएस। स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में हल किए। नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है चार घात और आठ घात वाले क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, थोड़े लंबे क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में वही क्वेश्चन हो पाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को पूरा सीखिए।